नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा आले प्रथमे हेडलाइंस राज्य रे कोरोना काया 24 घंटा रे 6116 नुवा पॉजिटिव क्वारंटाइन टू 3546 लोकल केस 2570 खोर्धा रु सर्वाधिक 875 सुंदरगढ़ रु 785 पुणि साथे मुंड नेला महामारी देशरे कोरोनार नुआ रेकर्ड 24 घंटा मध्यरे 3,50,691 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट 2,767 पॉजिटिव मृत्यु आसिलानी आंबुलांस बाइक रे बुहाले कोविड रोगी बरगड़ पद्मपुर उपखंड इच्छापल्ली ग्रामर आसिला अभावनीय दृश्य रेनकोट और मास्क पिंधि पुओ को मेडिकल आनिला बापा कोविड परिचालना उपरे उठिला प्रश्न कोरोना संक्रमण को चेक देवा को पदक्षेप राज्य में चली सप्ताहत शटडाउन रो आज द्वितीय दिन विभिन्न स्थान में पुलिस पक्ष कड़ा चेकिंग और ब्लॉकिंग केवल अत्यावश्यक सेवा को खोर्धापुड़ाडीह ग्राम बरसाई को कंटेनमेंट जोन घोषणा संक्रमित संख्या वृद्धि को नहीं जिला प्रशासन निष्पत्ति आसंता 30 तारीख राति 9 पर्यंत बलभद्र रटक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पत्र अनुरोध करते केन्द्र कोईला और खनि मंत्री तालचेर हिंगुला मंदिर विकास में एमसीएल सीएसआर पांचि 9,32,00,000 मंजूर प्रहलाद जोशी को धन्यवाद दे धर्मेन्द्र प्रधान प्रसूति खाद्य में बिछा बाहरी अभोग भद्रक वासुदेवपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में उत्तेजना अन्य रोगी मनरे पशिला छाने एवं पुणि सामना को आसला भोकर विकल चित्र झारसुगुड़ा मुख्य चिकित्सालय डस्टबिन गोटे खाउथिबार वीडियो वायरल घटना को नहीं प्रकाश पाइला असंतोष जी बस दासों को देखिबा प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें तीन प्रकार की तीव्रता है, हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्य के अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है, जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है। ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 ही दिन देनी पड़ती है। तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है, जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपेरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयाँ देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सिले से लेना बहुत जरूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर। और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे सर। डॉक्टर शशांक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशांक ने जो जानकारी हमें दी वो बहुत जरूरी है और हम सबके काम आएगी। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो,
आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कई डॉक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फोन पर व्हाट्सएप पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल की वेबसाइटें हैं जहां जानकारियां भी उपलब्ध हैं और वहां आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। ये बहुत सराहनीय है। मेरे साथ श्रीनगर से डॉक्टर नावीद नजीर शाह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नावीद श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। नावीद जी अपनी देखरेख में अनेकों कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और रमजान के इस पवित्र माह में डॉक्टर नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं और उन्होंने हमसे बातचीत के लिए समय भी निकाला है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नावीद जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर नावीद, मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है, आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डिजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही, वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज है वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकेंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो SOPs हैं, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल है, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं, आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी COVID-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में दो वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द, या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइन थे कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी, यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए
जो भी ये मिसकंसेप्शन हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए और जिस जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी COVID-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावेद आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपनी, अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ये सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जा रही सेवा और परिश्रम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्स ही बता सकती है, इसलिए मैंने रायपुर के डॉक्टर B.R. अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। भावना जी। यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे मैंने मल्टीटास्क और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सिस जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती है और सबसे लंबे समय तक होती है। यस सर। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती है। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है, फिर 2 महीने बाद हमारे ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे, कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई, और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना सर। ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन है,
हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर, उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए, हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे, वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे, तो हम उनको समझाते थे। और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की जरूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा एक दो केस हमने देखा सर, और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला पुरुष बुजुर्ग सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए, सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाए सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए, बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं, तो जरूर देशवासियों को इसे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर। जय हिंद। भावना जी और नर्सिंग स्टाफ के आप जैसे हजारों लाखों भाई बहन बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दीजिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथियों, हमारे साथ इस समय बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। सुरेखा जी केसी जनरल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, आइए उनके अनुभव भी जानते हैं। नमस्ते सुरेखा जी। आई एम रियली प्राउड एंड हॉनर्ड सर टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सुरेखा जी, यू अलोंग विथ ऑल फेलो नर्सिस एंड हॉस्पिटल स्टाफ आर डूइंग एक्सलेंट वर्क। इंडिया इज थैंकफुल टू यू ऑल। व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सिटीजन्स इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19? Yes, sir. Being a responsible citizen, I would really like to tell something like, please be humble to your neighbors, and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive. Don't be panic and don't be stressed out. It worsens the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects, and I want to deliver the message like, stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic kadha, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise also you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. Thank you, Surekha ji. Thank you, sir. Surekha ji, vaqai, aap bahut kathin samay mein morcha sambhale hue hain. Aap apna dhyan rakhiye. आपके परिवार को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं देश के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जैसा भावना जी, सुरेखा जी ने अपने अनुभव से बताया है, कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा जरूरी है और देशवासियों को इसे बनाए रखना है। साथियों, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ इस समय लैब टेक्नीशियंस और एम्बुलेंस ड्राइवर्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं। जब कोई एम्बुलेंस किसी मरीज तक पहुंचती है तो उन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर देवदूत जैसा ही लगता है। इन सब की सेवाओं के बारे में, इनके अनुभव के बारे में देश को जरूर जानना चाहिए। मेरे साथ
अभी ऐसे ही एक सज्जन है श्रीमान प्रेम वर्मा जी, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, प्रेम वर्मा जी अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और लगन से करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते सर जी। भाई प्रेम। हाँ जी सर। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी जरा विस्तार से बताइए, आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं गेट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास, तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी। बिल्कुल सर। तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? सर बिल्कुल, सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो, मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा, क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं, सब नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे, मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जी माँ को दुखी मत करना। नहीं माँ को समझाना। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना, हाँ जी, ये बहुत ही छूने वाली है। आपकी माता जी को भी हाँ जी मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। हाँ जी। और प्रेम जी मैं आपके माध्यम से हाँ जी ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। हाँ जी। और हरेक की माँ क्या सोचती है। बिल्कुल सर। ये बात जब श्रोताओं तक पहुँचेगी हाँ जी मैं जरूर मानता हूँ कि उनको भी दिल को छू जाएगी। हाँ जी। प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। साथियों प्रेम वर्मा जी और इन जैसे हजारों लोग आज अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जितने भी जीवन बच रहे हैं उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रेम जी आपको और देश भर में आपके सभी साथियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप समय पर पहुंचते रहिए, जीवन बचाते रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी जी ने भी हाल ही में कोरोना को हराया है। प्रीति जी मन की बात में हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके अनुभव हम सबके काफी काम आएंगे। प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं जी। सबसे पहले तो मैं आपकी COVID-19 से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सराहना करूंगा। थैंक यू सो मच। मेरी कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी शुक्रिया सर। प्रीति जी। हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए हैं? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए भगवान की कृपा रही। अच्छा मैं चाहूंगा हाँ जी सर कि आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो शायद जो श्रोता है उनको हाँ भी ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर जरूर सर। इनिशियली स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराने के टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो आपका परिवार बच गया आपके क्विक एक्शन के कारण। जी सर। वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर, अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर
कमरे में बंद हो गई थी और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया मैंने। मैंने बहुत सारा फ्लूड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, अब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी, तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, इसके देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया, ठीक है, मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी, थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे आज हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन दिनों मैं देख रहा हूं कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ये भावना हमें कितनी ताकत देती है, कितना विश्वास देती है। ये जो भी प्रयास हो रहे हैं समाज की बहुत बड़ी सेवा है, इस समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात की पूरी चर्चा को हमने कोरोना महामारी पर ही रखा क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस बीमारी को हराना। आज भगवान महावीर जयंती भी है, इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्मसंयम की प्रेरणा देते हैं। अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है, एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बैशाख टैगोर जयंती का है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। एक नागरिक के तौर पर हम अपने जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, संकट से मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे, इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। समय सरीची बुलेटिन को एड सरचू। नमस्कार।